सो मैं अमित गर्ग वेलकम कर रहा हूँ अनुकृति बत्रा अरोरा का, जो एक वेडिंग प्लानर है। और डेफिनेटली देखिए खुद की ड्रेस कितनी अच्छी है उनकी। अनुकृति जी बताइए कुछ अपने बारे में, क्या वेडिंग में क्या क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेकोरेशन पार्ट टू द साउंड, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड गेस्ट्स को कैसे ट्रीट करा जाएगा उन दो दिन तीन दिन के ड्यूरेशन में। हाँ जी, इसके अलावा यू नो क्या एंटरटेनमेंट डाला जाएगा ताकि वो लोग सब एंजॉय करके जाए यहाँ से। इसके अलावा क्या रिटर्न गिफ्ट्स दिए जाएंगे। अच्छा, सो बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं लोगों के ऑल 5 सेंसेस को एक्टिवेट करें एक वेडिंग के दौरान, चाहे वो सुंदर डेकोरेशन हो, चाहे फ्रेग्रेंस हो बढ़िया, अच्छा खाना हो, चाहे यू नो एंटरटेनमेंट म्यूजिक हो, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का क्लॉथ हो, तो वी ट्राई टू एक्टिवेट ऑल द 5 सेंसेस। सो बेसिकली यू आर सेइंग प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग सब कुछ आप प्लान करते हैं। यस यस। फिनोमिनल यार, इतना दिमाग कहाँ से लाती हो? मतलब क्या आपने कोई कोर्स किया है या फिर? देखिए मैं ये इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो एक औरत होती है वो एक मल्टीटास्कर होती है। oh, yes, और yes, हमारी yes. टीम में ऐसी कई औरतें हैं। मैं सबके नाम लेना चाहूंगी। देयर इज प्रीथा, शनाया, भूमि, पायल, एंड देयर आर मोर इंटर्न्स जॉइनिंग अस, जो यू नो अगर एक साथ 10 मल्टीटास्किंग ब्रेन्स चलेंगे तो आप समझते हैं क्या डायनामिज्म आएगा। बेसिकली आप वो कह रहे एक नारी सब पे भारी, यहां तो 10-10 नारियां। हां जी बिल्कुल। क्या बात है, वुमेन एम्पावरमेंट को आप बेसिकली पूरा पूरा प्रमोट कर रही हैं। हां जी। तो आपने बेसिकली आदमी को ही नहीं रखे, सब सब गर्ल्स हमारे है? हम लोग देखिए इट्स अ टीम वर्क, प्रोडक्शन, इट्स अ कोर टीम दैट इज ऑफ वुमेन, बट डेफिनेटली जो हमारे दादा लोग हैं, हमारे कारीगर हैं, हमारी लेबर है, हमारे जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हैं, वो तो डेफिनेटली आदमी लोग हैं। एंड यू नो हम लोग इस चीज़ में नहीं बिलीव करते कि हम अपने उसमें मेल चौविनिज्म या यू नो उस तरीके की चीज़ें प्रमोट करें, बट देन हम लोग एक कोर टीम है जो कि ऑल वुमेन है। और आप बेसिकली बच्चों को जैसे ये तो आपके अंदर हो गया, इट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। यस। क्या आप ये आगे बच्चों को भी सिखा रहे हैं, इंटर्न्स आप ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आगे एडुकेशन के माध्यम के थ्रू इस चीज़ को आगे सिखा रहे हैं, अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल चीज़ों में एंगेज रहें ताकि उनका एक अर्निंग का सोर्स भी बन जाए एंड कुछ सीखे भी और अपने पैरों पे भी खड़े हो पाए वो। वाओ दिस इज ग्रेट। अच्छा ऐसा नहीं होता गर्ल्स को जल्दी पेरेंट्स कहते हैं भाई तुम ये मत करो, बाहर जाओगी बहुत दिक्कतें आएंगी, तो हाउ वाज योर फैमिली? इट वाज वेरी सपोर्टिव? सो टचवुड आई हैव हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली ऑफ बोथ माय पेरेंट्स एंड माय इन-लॉज साइड, एंड हमारे वर्किंग आवर्स बहुत ऑड रहते हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। हम लोग 2 बजे तक रात को वर्क करते हैं, फिर सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग होती है, कभी कभी हम 36 आवर्स भी नहीं सो पाते अच्छे से। तो आई अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, योर पार्टनर इज सपोर्टिव, यू कांट डू दिस। सो बेसिकली विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली यू आर डूइंग दिस बिजनेस? यस डेफिनेटली। और कितना कोई बहुत बड़ी सी वेडिंग में जान, मतलब हाउ मेनी वेडिंग्स, लेट्स से आई एम नॉट सेइंग, जस्ट रफ नंबर्स, हाउ मेनी वेडिंग्स? सो वी हैव डन मोर देन यू कैन से सोशल इवेंट्स, इफ आई कैन से वी हैव डन मोर देन 500 सोशल इवेंट्स इन द पास्ट 5 इयर्स। 5 इयर्स में तो ऑलमोस्ट 365 दिन तो होते हैं एक साल के अंदर। हाँ आप 100 दिन बिजी हैं। सो हम लोग यही तो कह रहे हैं आपको कि सोशल इवेंट्स में बर्थडेज भी आ जाते हैं, पार्टीज भी आ जाते हैं, प्री वेडिंग इवेंट्स भी आ जाते हैं, लोगों के मैरिज प्रपोजल्स भी आ जाते हैं, यू नो लोग। सो डोंट यू थिंक इट इज वेरी टफ टू मैनेज द फैमिली एज वेल एज द बिजनेस? इट इज वेरी टफ, यस। सो हाउ डू यू मैनेज वर्क प्रेशर एज वेल एज द फैमिली प्रेशर? So you know when your family is supportive then they keep you sane, then there is no pressure. then they keep you sane. Okay, jab tum ghar wapas aate ho thak ke, there are people to love you. They will take care of you, you are tired, तो तुम्हारा वो समझते हैं कि आपने 3 दिन बिना नींद के काम किया है तो अब आपको 2 दिन रेस्ट चाहिए होगा। ओह वाओ दिस इज ग्रेट। सो अनुकृति यू आर सेइंग यू प्लान एवरीथिंग इन द वेडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द गेस्ट टू रिसीव, एंड वो कहते हैं ना एक मैंने सुना था कहीं पे स्वागत से विदाई तक। बिल्कुल, स्वागत से विदाई तक हम लोग हर चीज प्लान करते हैं एंड ऐसी चीजें प्लान करने का ट्राई करते हैं जो लोग सालों सालों पुश्तों तक याद रख पाए। ग्रेट, थैंक यू सो मच अनुकृति फॉर मेकिंग द वेडिंग मेमोरेबल फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे आपका आई आई सॉ यू वर लुक